नमस्कार फ्रेंड्स, मैं परमार पंकज टेक्नोलॉजी टूल्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एमसीक्यू मूल्यांकन के मोबाइल सॉफ्टवेयर ZipGrade में जवाबों की डेटा एंट्री किस प्रकार कर सकते हैं ये जानेंगे। मोबाइल की मदद से मूल्यांकन शुरू करने के लिए आपको मेन मेनू में क्विजेस बटन पर टच करना है, तो आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी जहाँ से हमें अपने डेटा का इनपुट देना होगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्विज का नाम और सही जवाब आदि सब डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ न्यू क्विज का बटन जो आप दाईं ओर देख रहे हैं उस पर टच करके आपको क्विज का नाम देना है, तो मैं क्विज का नाम ये नहीं रखना चाहता हूँ। क्विज का नाम गुज, जो ऐसा दिखाता है कि गुजराती विषय की यह टेस्ट है। उसके बाद 511, जिसका मतलब है पांचवी कक्षा पहला सत्र और पहला एकम, जिसका नाम है चित्रपाठ, तो मैं यहाँ ये यही रख देता हूँ। तो मैंने इस टेस्ट का नाम गुज 511 चित्रपाठ यह रखा है। तो आप भी इस प्रकार के कोडिंग का इस्तेमाल नाम देने के लिए कर सकते हैं। सिलेक्ट शीट में से आपको यह एमसीक्यू टेस्ट कितने प्रश्नों के लिए है यह तय करना है। जैसे कि आपको 20 प्रश्नों के लिए चाहिए तो पहला ऑप्शन पसंद कीजिए, 50 प्रश्नों के लिए चाहिए तो दूसरा ऑप्शन पसंद कीजिए, अगर आपको 100 प्रश्न के लिए यह टेस्ट लेनी है तो तीसरा ऑप्शन पसंद कीजिए। मैं यहाँ 20 प्रश्नों के लिए शीट पसंद करता हूँ। उसके नीचे डेट, जो भी तारीख है वह आप यहाँ रख सकते हैं और उस पर टच करके या टाइप करके अन्य तारीख भी आप रख सकते हैं, और इस प्रकार के सेटिंग से अलग तारीख भी रख सकते हैं। जरूरी तारीख तय करके यहाँ ओके करना है। यहाँ से आप देख रहे हैं मैंने पहले स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 5 यह एंट्री की हुई है, तो यह टेस्ट किस कक्षा के लिए है ये आप यहाँ से तय कर सकते हैं। और न्यू क्लास वाला यह बटन है, इस पर टच करके न्यू क्लास भी यहाँ से टाइप करके दे सकते हैं। अब STD देता हूँ और ओके डालता हूँ। यहाँ से आप इस कीबोर्ड को नीचे ले जाएंगे तो ही आप यह देख पाएंगे। मुझे स्टैंडर्ड 5 पसंद करना है, 6 पसंद नहीं करना है। उसी प्रकार यहाँ पर आप न्यू टैग की मदद से ऐसे टैग भी दे सकते हैं, यहाँ अलग अलग विषय के नाम भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पहले गुजराती, हिंदी ऐसे विषय रखे हुए हैं, अब मैं यहाँ मैथ रखना चाहता हूँ तो न्यू टैग में जाकर मैथ टाइप करके ओके देना है। और जब आप इस कीबोर्ड को नीचे ले जाएंगे तभी यह टैग्स आपको दिखाई देंगे और उसमें से सही टैग पसंद करना है, तो मैं यहाँ गुजराती पसंद करता हूँ। आपका यह सेटिंग्स कंप्लीट हो जाए तो आपको ओके पर टच करना है, और यह सेटिंग आपको नहीं चाहिए तो कैंसल पर टच कर सकते हैं। मैं यहाँ ओके पर टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की सभी डिटेल्स आ गई है, जिसमें क्लास 5 यहाँ तारीख दी हुई है, आंसर शीट कितने प्रश्नों के लिए है, अन्य डिटेल्स भी है और कितने प्रश्न यहाँ रखे गए हैं इसके बारे में भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर एडिट की में जाकर हमें सभी MCQ प्रश्नों के उत्तर यहाँ देने होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ABCD और E 5 ऑप्शन के लिए अलग अलग राउंड बटन देख रहे हैं, उस राउंड बटन पर आप टच करेंगे वह जवाब आप पसंद कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है जिसका जवाब है A, उस पर टच करने पर यह जवाब आ जाएगा और यहाँ 0 पॉइंट की जगह 1 पॉइंट आ जाएगा। अब मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए अपनी तरह से आंसर दे देता हूँ। नीचे जाने के लिए आपको ड्रैग करना है। यहाँ 5 ऑप्शन है इसलिए ई दिया गया है। अगर आप 4 ऑप्शन वाली टेस्ट ही लेना चाहते हैं तो आपका कोई भी जवाब ई में नहीं आना चाहिए, आपके सभी जवाब ABCD में ही आ जाने चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी 20 प्रश्नों के लिए उत्तर इसमें इनपुट कर दिए हैं, डाल दिए हैं।
अगर मैं किसी प्रश्न के लिए दो या तीन ऑप्शन भी जवाब के लिए पसंद करना चाहता हूं तो भी पसंद कर सकता हूं। जैसे कि पहले प्रश्न के लिए ए और सी दोनों रखना चाहता हूं तो यहां से आप वह भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मूल्यांकन होगा, लेकिन मैं एक ही ऑप्शन जवाब के तौर पर रखना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ एक और सेटिंग है पॉइंट वाला, जो अलग सेटिंग है। यहाँ जो ग्रेटर देन वाला निशान देख रहे हैं उस पर टच करने से आपको इस प्रश्न के लिए ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप इसके साथ और आंसर भी ऐड कर सकते हैं, और उसके लिए आप कितने पॉइंट्स रखना चाहते हैं ये भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रश्न के लिए या एक ऑप्शन के लिए दो पॉइंट रखना चाहते हैं, या यहाँ से आप पॉइंट्स में भी यानी कि दशमलव का उपयोग करते हुए भी प्रश्न के पॉइंट्स रख सकते हैं। किसी ऑप्शन के लिए या किसी प्रश्न के लिए 2.5 अंक रखना चाहता हूं तो ये भी यहां पर रख के सेव कर दूंगा, तो उस प्रश्न के उस ऑप्शन के लिए इतने अंक आ जाएंगे। तो इस प्रकार का आप अलग अलग सेटिंग भी यहां से कर सकते हैं, और टैग का भी हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग सेटिंग कर पाएंगे। यहां से मैं बैक जाता हूँ। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ऐसी बहुत सी सुविधाएँ मिल रही हैं, लेकिन मैं सीधा साधा एक टेस्ट ही लेना चाहता हूं, तो मैंने इस प्रकार इनपुट किया है। अगर आप इस प्रकार इनपुट नहीं करना चाहते हो और एक सही जवाब वाली आंसर शीट की मदद से यह कार्य करना चाहते हैं तो यहां पर दिया गया है स्कैन फॉर की। अब हम देखते हैं स्कैन फॉर की मदद से किस प्रकार इनपुट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कैन फॉर की बटन पर टच करना है। तो आप देख सकते हैं मोबाइल का कैमरा ओपन हो गया है, और मैंने जो सही जवाब वाली एक आंसर शीट तैयार की हुई है वे यहाँ मैं अपने मोबाइल के कैमरे के नीचे रखता हूँ, जिसमें यह ध्यान रखना है कि आंसर शीट की चारों ओर जो ब्लैक स्क्वायर है उसे हमारे मोबाइल के कैमरे के व्यू में जो चारों ओर ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक स्क्वायर है उसके भीतर ला देना है। तो थोड़ी ही सेकंड में यह शीट स्कैन हो जाएगी। ऐसे जब चारों काले स्क्वायर है वह हरे हो जाएंगे। देखिए यह स्कैन हो चुकी है और यहाँ सही जवाब दिए गए हैं। अगर फिर से स्कैन करना चाहता हूँ तो मुझे रीडू में जाना है और इस आंसर शीट का उपयोग करना है, तो यूज में जाना है। सही जवाब के लिए कितने पॉइंट रखने हैं ये यहाँ से तय कर सकते हैं, और गलत जवाब के लिए कितने पॉइंट रखने हैं ये भी यहाँ पर आप तय कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर एक पॉइंट सही जवाब के लिए और गलत जवाब के लिए कोई भी पॉइंट नहीं ऐसा पसंद करना है तो सेव पर टच करना है। देख सकते हैं मैंने जो पहले एंट्री की थी उस एंट्री से यह एंट्री कुछ अलग आ गई है। तो इस प्रकार स्कैन फॉर की मदद से भी हम आंसर शीट की मदद से सही जवाब इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ मैंने पहले जो आंसर शीट के बगैर एंट्री की थी उसी एंट्री से मूल्यांकन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिर से एंट्री ही कर डालता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले जो टच करके एंट्री दी थी वही एंट्री रख रहा हूँ। यह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद बैक जाना है। अब आपको विद्यार्थियों ने अपने आंसर ब्लैक या ब्लू पेन की मदद से डार्क करके दिए हुए हैं, उन सभी शीट्स को लेके स्कैन पेपर्स नाम का बटन है उस पर टच करके स्कैन करने हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अन्य लोगों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इस चैनल पर फ्यूचर में अपने काम का कुछ मिल सकता है तो आप यहाँ के रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाले बेल पर क्लिक करने से मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे।